यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल कांग्रेस इकाई में बड़ा फेरबदल किया है। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे की जगह अब रजनी पाटिल को हिमाचल का नया प्रभारी बनाया गया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की ओर से यह फैसला लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई। विधानसभा चुनाव के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में बदलाव होने की कयास लगाए जा रहे थे। हिमाचल में हार का सामना करने के बाद से ही वहां पर संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की मांग भी उठने लगी थी। मंगलवार को कांग्रेस हाईकमान में उसे पूरा कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने एक पत्र जारी कर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के स्थान पर रजनी पाटिल को हिमाचल कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किए जाने की घोषणा की। इस घोषणा पत्र को जारी होते ही पाटिल को तुरंत प्रभार संभालने को कहा गया है। वहीं उन्होंने शिंदे के कार्य की प्रशंसा की। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2017 को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में पार्टी संगठन स्तर पर बदलाव किए गए थे। हिमाचल प्रभारी अंबिका सोनी के इस्तीफा देने के बाद मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके शिंदे को हिमाचल का प्रभार सौंपा गया था। राज्य में 5 महीने बाद शिंदे के प्रभार में ही कांग्रेस ने यहाँ विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें और भाजपा को 44 सीटें मिली हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है हिमाचल कांग्रेस की नई प्रभारी रजनी पाटिल। कौन है रजनी पाटिल? 1996 में बीजेपी के टिकट पर बनी थी सांसद। बीड लोकसभा से जीता था पहला चुनाव, बाद में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुई थी शामिल। 2013 में राज्यसभा के लिए हुआ था चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख की मौत के बाद बनी थी राज्यसभा सांसद। राज्यसभा में महाराष्ट्र का करती है प्रतिनिधित्व। इस फेरबदल के बाद कांग्रेस हाईकमान को उम्मीद है कि हिमाचल में कांग्रेस एक बार फिर से पहले की तरह से मजबूत होगी। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बदलाव के बाद हिमाचल कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान कम होगी या फिर पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।